ये बीच वाली लाइन 951 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, ठीक है जी। यदि ये मिस होती है, ये जितनी भी कैलकुलेशन है अपने आप दिमाग लगा लेंगे कि 2000 वाले पे नहीं इंप्लीमेंट हो रहा, इनमें अपनी कोई खोपड़ी नहीं होती, इनमें अपना कोई दिमाग नहीं रखते, ये दूसरे की डायरेक्शन से ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहते हैं। ये इतना तो तय कर लेते हैं कि ये बंदा अच्छा सलाहकार है, ये जो बोलेगा मैं वैसे कर लूँगा, चाहे वो गलत बोल दे। इसलिए क्या बोला, दूसरे इसको रूल करते हैं, ठीक है ना। सही बात के लिए या गलत बात के लिए या अपने लिए भी जस्टिफाई को बात करनी हो, खुद के लिए भी स्टैंड नहीं करते, स्टैंड नहीं ले पाते, रोब से अच्छे से तरीके से बात को कह नहीं पाएंगे, रख नहीं पाएंगे कि नहीं जी आप गलत कह रहे हो। मुझे एक छोटी सी शिकायत मिली कल, अनुराधा जी आप ही है ना, ठीक है ना, मुझे छोटी सी इनकी साथ में तारीफ भी मिली कि उन्होंने अपने पेशेंस लूज नहीं की। तो मेरे दिमाग में छूटते पता क्या पूछा, मैं कहा ओम शांति वाले तो नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोगों की जो ट्रेनिंग है या जो शिक्षा है वो यही है कि शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना, शांत रहना, गलत कुछ भी हो प्लीज। बराबर हो गया ना, माना तो जाएगा, जाएगा कहाँ, माना तो जाएगा, ये अलग चीज हो गई, वो अलग चीज हो गई, कोई बात नहीं, ले जाओ माइक, ये हटाऊं क्या, इसमें एक पॉइंट रहेगा भी डिसीजन नहीं ले पाते, जब दूसरे से ऑपरेट हो रहे हैं तो खुद डिसीजन थोड़ी लेंगे। हाँ जी बोलो बोलो, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हैं, माइक लेके पूछ लो। अरे वाह भाई वाह छटंकी, कल से मेहनत करिए, मुझे कह रही जी आज भी टीका लगाना है क्या, मैं कल पैसे दिए थे, कहती नहीं, मैं फिर आज नहीं लगाना। सर आपने 951 बोला, 951 यस, ठीक, इसके अंदर में अगर 5 नंबर नहीं हो, जस्ट आई एम आस्किंग, वो अलग चीज़ है। अच्छा वो अलग चीज़, वो अलग चीज़ है, इसको ये पूरे के ऊपर बात है, ये पूरा कॉम्बिनेशन है कंप्लीट। आपकी मैंने वीडियोस देखने के बाद में इसको मैंने प्रैक्टिकली इन कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था जी, जी। लोगों में मैंने बहुत इसको स्टडी किया, 2 साल से कर रहा था इसे, उसमें मैंने देखा जिसका 5 नंबर नहीं था वो डिसीजन ले ही नहीं पाता, वो हमेशा दूसरे पर ही डिपेंड रहता था। ये मैंने इस चीज़ को माइन्यूटली जाके इसको माइक्रो लेवल पर देखा, इसको गुड इसको मैंने चेक किया। थैंक यू। अब बात कर रहे हैं आखिरी वर्टिकल नंबर 276, 276। गरिमा जी आप इसको एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि इसका अपोजिट भी मैंने कल बताया था कि अगर यदि ये हैं तो क्या होता है। सानी जी को दो जरा, उठ जाओ जी, उठ जाओ, बोधर हुई कल से पीछे बैठे हो। ये कल ये लाइन अगर होती थी, अजय मैंने वैसे भी लिख दिया, इसका खाली एक्सप्लेन करना है बस। इसमें होती थी तो मेटल एलिमेंट होता है, अर्थ हो गया। नहीं जी नहीं है, मैंने पूरी की पूरी लाइन बोली थी 257 276, अगर है तो क्या होता है। ठीक है नहीं, इसको एक्सप्लेन कर दो, माइक माइक मुँह पे, और जेब में नहीं डालना माइक। चलिए ब्रिज जी आप बता दो, ये तो इंग्लिश में है, इंग्लिश तो आपको आती है। दैट आई नो, बट ऐसे आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट, आई हैव नॉट प्रैक्टिस इट येट, नो। नहीं तो कोई बात नहीं, पढ़ के एक्सप्लेन कर दो। ये अगर है तो, हाँ नहीं है तो, लैक ऑफ मोटिवेशन मींस द, नहीं एक्सप्लेन करो, मीनिंग नहीं बताना। अच्छा कहिए, एक्सप्लेन तो आप ही करोगे, ठीक है योर जॉब। तो इसमें ऐसे लोग मोटिवेशन नहीं होता इनके पास, हड़काना पड़ता है इनको। हमारे यहाँ पे एक स्टाफ है राजीव, उसको हड़काओ तो करता है, खुद से नहीं करता है, ठीक है। इसमें जो है अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देता है, समझ ही नहीं पाता कि अपॉर्चुनिटी है, समझ ही नहीं पाता। हमारे यहाँ पे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी, वर्बल रजिस्ट्रेशन कराया, पेमेंट जमा नहीं कराई, वो डिसीजन ले ही नहीं पाए,
उस टाइम पे शायद कोई डिस्काउंट चल रहा था, ठीक है, हाँ। और बाद में जो है ना 31,000 प्लस 18% GST पे भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। उसके बाद वो यहाँ आ गए लंच में, मैंने कहा जी अब नहीं, उठ के भी आ गए, कहता जी और बेचते थोड़े पैसे फालतू ले लो। तो ये अपॉर्चुनिटी इस तरीके से, तो मैंने बाद में मैं कहा इनकी डेट ऑफ बर्थ है क्या, तब पता लगा। तो ये चीज़ें हैं, इनको यही नहीं समझ पाते, दिमाग ही लगाते रहते हैं। कुछ लोग इतना दिमाग लगाते हैं कि यार अभी तो सीटें खाली होंगी तो फिर तो कम में दे ही देंगे। दूसरा, दुविधा में रहते हैं, सोचते रहते हैं करूं कि नहीं करूं, होगा कि नहीं होगा। और रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं होती, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे रिस्क लेने की कैपेसिटी रजत में बड़ी भयंकर है, ठीक है ना। यमुना एक्सप्रेस वे जो नया नया बना था वो छोटा था, ठीक है, 10th में था, भगवान जाने कितने में था। तो वो कहता है मेरे को, कहता भाभी मैं ना उसमें बाइक चला लूँ, बाइक थी नहीं उसके पास अभी, कहता मैं उसको बाइक चलाने का मन है, वो बहुत तेज चलाऊँ। उसने बोला मेरा दी बाइक आ गया, जिस तरीके से बोला, मैं कहा ये जाएगा जरूर किसी के। फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा देख बेटे यहाँ की ना सड़कें अच्छी नहीं है, मैं कहा सिंगापुर में चलेंगे वहाँ बाइक भी बढ़िया होती है, मैं कहा $150 लगते किराए पर मिलती है, मैं कहा वहाँ ना जैकेट उल्टी पहन लो और आप चलाओ जितनी मर्जी, मैं कहा 180 पे चलती है वहाँ पे। ये कह के समझाया उसको। तो वो शुरू से ऐसा ही है, लगता है ना दुबला पतला था,